दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर, मैनिफेस्टेशन, हमने सुना तो है कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज होती है, लेकिन हमारी लाइफ में तो मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है सर, बताइए। तो मैं उन लोगों को ये समझाता हूँ कि मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है, और आज मैं आप लोगों को वो प्रोसेस बताने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपके लाइफ में भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है और आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारे माइंड टूल्स होते हैं उसमें से एक या दो माइंड टूल अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप उस मैनिफेस्टेशन से जुड़ जाएंगे जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली बोलता हूँ, एक अफर्मेशन का प्रोसेस होता है कि हम डेली बेसिस पे अगर अफर्मेशन फॉलो करेंगे और अफर्मेशन को करेंगे तो हम मैनिफेस्टेशन से जुड़ेंगे। अब अफर्मेशंस क्या होता है कि आपका जो भी कोई गोल है, जो भी गोल आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो उस गोल को लिखिए और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखिए, और वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि जब आपका वो गोल पूरा हो गया उस समय आपको कैसा लग रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं। तो वो अफर्मेशन होगा, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको एक अफर्मेशन बनाना पड़ेगा। जो भी वेट आपको चाहिए, सपोज आपको 74 kg चाहिए, 72 चाहिए या 70 kg चाहिए, तो आपको ये अफर्मेशन बनाना पड़ेगा कि आई एम इंजॉइंग माई हेल्दी वेट ऑफ 70 kg। सो दिस इज द अफर्मेशन विच विल हेल्प यू टू रीच योर मैनिफेस्टेशन। तो उसमें आपको वो अफर्मेशन आपने बना लिया, और डेली बेसिस में आपको रात में सोने से पहले, जब आप सोते हैं उससे 1 घंटे पहले से वो प्रोसेस चालू हो जाता है। जब भी आपको टाइम मिले, सपोज आप 10 बजे सोते हैं, तो 9 बजे के बाद कभी भी वो अफर्मेशन कर सकते हैं। आप अपने बेड पर बैठे और वो अफर्मेशन जो आपने पेपर पर लिखा हुआ है उसको बोले, जो आपके गोल से रिलेटेड है, जो आपका हेल्थ का गोल है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना चालू कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे वो अफर्मेशन करेंगे और जब आप अफर्मेशन कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, तो धीरे 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 सबकॉन्शियस से वो कमांड्स आपके ब्रेन में जाने चालू होंगे, और आपके ब्रेन में वो कमांड्स जाएंगे तो ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। वहां पर क्या होता है कि वो चीज आपके लाइफ में नहीं है लेकिन आपको वो चीज चाहिए। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रक्चरल टेंशन डेवलप होता है वहां पर ब्रेन में, कि वो चीज नहीं है आपकी लाइफ में और आपको वो लाइफ में चाहिए, जो कि कमांड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जो आप अफर्म कर रहे हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। तो वहां ब्रेन में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चरल टेंशन डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इंटेलिजेंट ब्रेन है वहां पर एक पार्ट होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपका इंटेलिजेंट ब्रेन जो है उस RAS को एक्टिवेट कर देता है, और जो भी आपका विश है या जो आप अफर्म कर रहे हैं, जो भी आप कमांड दे रहे हैं, वो चीज जो है वो रिलीज कर देता है आपके ब्रेन से एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में फ्रिक्वेंसी के द्वारा वो सारे सिग्नल्स चले जाते हैं। और वो सिग्नल्स जाने के बाद क्या होता है कि आपका RAS एक्टिवेट हो चुका है, और उसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा, और जब भी एनवायरनमेंट में वो कोई चीज आएगी उससे रिलेटेड जो आपका गोल है, वहीं पर आपका ध्यान जाएगा और वो चीज आपको दिखाई देगी। आप देखेंगे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, एक होर्डिंग लगा हुआ है वहां पर रास्ते में, और वो वहां पर वो होर्डिंग है वेट लॉस से रिलेटेड। अब क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो वो होर्डिंग वहां पर उसी से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस जो कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन से जोड़ेगा, और जब वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी और वो मैनिफेस्टेशन होगा तो धीरे धीरे वो चीजें सटल रूप में आपके लाइफ में आ जाएंगी और आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जुड़िए अपने मैनिफेस्टेशन से और इस गोल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।